सो वेलकम बैक टू क्रिकेट मेज। आईपीएल 2021 के लिए बीसीसीआई पूरी तरीके से रेडी दिख रही है, जहां पर काफ़ी सारे चेंजेस के साथ इस बार आईपीएल 2021 होने वाला है। और अब बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है सभी टीम्स को, और ऑफिशियली अब ये कंफर्म हो चुका है कि आईपीएल 2021 में मेगा ऑक्शन होगा, यानी कि सभी की सभी टीम्स मिलकर सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 प्लेयर्स को रिटेन कर पाएगी। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इस बार ऑक्शन का हिस्सा होंगे। जो बजट होगा सभी टीम्स का वो हाई होगा, और बहुत सारी जो बोली है वो इस बार लगने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 10 प्लेयर्स के बारे में जिनको आईपीएल 2021 के ऑक्शन में काफ़ी ज़्यादा पैसे या फिर हम लोग कह सकते हैं बोली लगने वाली है, काफ़ी महंगे बिकने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस और एनालाइज करने वाले इन प्लेयर्स के बारे में, कौन सी टीम को खरीद सकती है, कितने में इनकी बोली लग सकती है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी आईपीएल मैच की या फिर क्रिकेट मैच की प्रेडिक्शन जाननी हो तो आप लोग predicated.com से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले नंबर 10 के साथ। अगर नंबर 10 की बात करें तो इस लिस्ट में नंबर 10 में मैंने रखा है ईशान किशन को। अगर ईशान किशन की बात करें तो 2020 और 2021 दोनों में इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। एक अटैकिंग प्लेयर है जहाँ पर फ्लेक्सिबल है, ये ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, एक विकेट कीपर भी है, यानी कि काफ़ी सारे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट प्लेयर है, ऑलमोस्ट हर मैच आपको रन बना के देंगे। 400+ रन इन्होंने पिछले सीजन में मारा था, और काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये रहने वाले हैं जहाँ पर इनके पास फॉर्म भी है। और ये प्लेयर काफ़ी महंगा बिकने वाले हैं, 6 से 8 करोड़ के बीच इन पर बोली लग सकती है। और मुंबई इंडियंस की टीम, आरसीबी की टीम और केकेआर की टीम इनको मेगा ऑक्शन में खरीदने की कोशिश कर सकती है। नंबर 9 में जिस प्लेयर को रखा है वो है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक की बात करें तो पिछले साल केकेआर के कप्तान थे, 2020 में फ्लॉप रहे हैं, ख़राब परफॉर्मेंस था, लेकिन इफेक्टिव प्लेयर है, हम लोग जानते हैं काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, और हर साल जब भी ऑक्शन में होते हैं तो इन पर तो बोली लगती है। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि इन पर काफ़ी बोली लगने वाली है, 6 से 8 करोड़ के अंदर ये बिक सकते हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, सनराइज़ हैदराबाद की टीम और दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनको खरीदने की कोशिश कर सकती है। और नंबर एट की बात करें तो इस लिस्ट में नंबर 8 में रखा है जॉस बटलर को। अगर जॉस बटलर की बात करें तो जॉस बटलर शायद तक रिटेन होने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के बाद काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको वो रिटेन करने हैं। अटैकिंग प्लेयर है, जल्दी रन बना सकते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, विकेट कीपर भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंट बैट्समैन है, यानी कि रेगुलर आपको रन बना के देंगे, और यही इनकी खासियत है। ये भी फ्लेक्सिबल है, ओपन और मिडिल ऑर्डर दोनों में खेल सकते हैं, 7 से 10 करोड़ के पीछे बिकने वाले हैं। और केकेआर की टीम, मुंबई इंडियंस की टीम, आरसीबी की टीम और राजस्थान रॉयल्स की टीम वापस से इनको खरीदने की कोशिश कर सकती है। नंबर 7 में जिस प्लेयर को रखा है वो है जॉनी बेस्टो। अगर जॉनी बेस्टो की बात करें तो इनका 2020 अच्छा नहीं गया था, लेकिन हम सबको पता है कि जो प्लेयर है ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ये रिटेन तो नहीं होने वाला, लेकिन काफ़ी अटैकिंग बैटिंग करता है, इंडियन पिचेस में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता है और कंसिस्टेंट रन बना के देता है। और ऑब्वियसली इसी के वजह से काफ़ी सारी टीम जो है वो जॉनी बेस्टो पर 100% श्योर की बिडिंग करने वाली है। इनका भी 7 से 10 करोड़ के बीच में स्लैब रहने वाला है। केकेआर की टीम, राजस्थान रॉयल्स की टीम, मुंबई इंडियंस की टीम और सीएसके की टीम इनको टारगेट कर सकती है। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 में जिस प्लेयर को रखा है वो है मिचेल स्टार्क। अब मिचेल स्टार्क ने कंफर्म कर दिया है कि वो 2021 के ऑक्शन का हिस्सा रहने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर इतने साल बाद ही ऑक्शन में आ रहे हैं और इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, इतना अच्छा प्रदर्शन करके आते हैं, तो इन पर काफ़ी महंगी बोली लगने वाली है। लेकिन एक जो परेशानी इनके साथ है वो है इनसिक्योरिटी, क्योंकि काफ़ी बार आईपीएल नहीं खेलते हैं, इनका भी चांसेस कम रहता है कि आईपीएल पूरा खेलेंगे कि नहीं, और इसी के वजह से थोड़ी सी कम बोली लगेगी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा बोली लगने वाली है। किंग्सलैंड पंजाब की टीम, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम और केकेआर की टीम इनको ट्राई कर सकती है, 8 करोड़ तक ये बिक सकते हैं। नंबर 5 में जिस प्लेयर को रखा है वो है क्रिस मॉरिस। अगर क्रिस मॉरिस की बात करें तो क्रिस मॉरिस जो है वो भी 7 से 8 करोड़ के स्लैब में आने वाले हैं। काफ़ी सारे टीम्स भी इनको ट्राई करने की कोशिश करने वाले कि इनको खरीद ले, कोई काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहते हैं, इफेक्टिव प्लेयर है। आरसीबी की टीम, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्सलैंड पंजाब की टीम और सनराइज़ हैदराबाद की टीम इनको ट्राई आउट कर सकती है। नंबर 4 में जिस प्लेयर को रखा है वो है मयंक अग्रवाल। अगर मयंक अग्रवाल की बात करें तो किंग्सलैंड पंजाब के वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर है, 10 करोड़ तक इनकी बोली लगेगी। किंग्सलैंड पंजाब की टीम को रिटेन तो नहीं करेगी, लेकिन हो सकता है कि इनको आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके टीम में ले ले। इसके अलावा जो टीम इनको टारगेट कर सकती है वो है राजस्थान रॉयल्स की टीम, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और सनराइज़ हैदराबाद की टीम। नंबर 6 में जिस प्लेयर को रखा है वो है संदीप शर्मा। अगर हम लोग ऑक्शन की बात करें तो आईपीएल ऑक्शन का इतिहास रहा है, जो इंडियन फास्ट बॉलर होता है वो हमेशा ऑक्शन में सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है,
क्योंकि जो इंडियन बॉलर्स हैं उनकी थोड़ी बहुत कमी है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की, और इसी की वजह से संदीप शर्मा, जिनका 2020 का आईपीएल बहुत ही बेहतरीन गया था, ये भी काफ़ी महंगे बिकने वाले हैं। 10 करोड़ प्लस की इनकी बोली लगने वाली है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, राजस्थान रॉयल्स की टीम, दिल्ली कैपिटल्स की टीम, आरसीबी की टीम, यहाँ तक कि केकेआर की टीम भी इन पर बोली लगाने वाली है। नंबर 2 में मैंने जिस प्लेयर को रखा है वो है बेन स्टोक्स। अगर बेन स्टोक्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की खिलाड़ी है, काफ़ी टाइम से फ्लॉप रहे, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको बहुत ही महंगा खरीदा था, लेकिन अटैकिंग प्लेयर है, एक ऑलराउंडर है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली है गेम चेंजर, और इसी के वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगे बिकते हैं। इस साल भी ये 10 से 12 करोड़ के अंदर बिकने वाले हैं। केकेआर की टीम, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और सनराइज हैदराबाद की टीम इन पर बीडिंग करने वाली है और इनको ये टारगेट करने वाली है। नंबर 1 में जिस प्लेयर को रखा है वो है मुंबई इंडियंस का प्लेयर। ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस ने इतना अच्छा किया तो ऑब्वियसली नंबर 1 में मुंबई इंडियंस का प्लेयर होगा। हो सकता है कि इस प्लेयर को आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया जाए। और प्लेयर के नाम की बात करें, जो प्लेयर का नाम है वो है ट्रेंट बोल्ट। अगर ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो ये 12 से 14 करोड़ के अंदर बिक सकता है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम, केकेआर की टीम, सीएसके की टीम और आरसीबी की टीम इसको टारगेट कर सकती है। तो ये तो थी आईपीएल 2021 के ऑक्शन के टॉप 10 मोस्ट अट्रैक्टेड या फिर बिडिंग करने वाले प्लेयर। अभी के लिए इस वीडियो के लिए मेरी तब से इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।